chalky plank, education, nothing less. Arithmetic progression में nth term find out करने के लिए हमारे पास में एक formula है a n is equal to a plus n minus 1 d. ये हमारे पास में nth term होती है. ये first term जो कि हम पहले जान चुके हैं, n number of terms, और d हमारे पास में common difference. तो यहां पर जो है ये series कोई भी है, जैसे कि हम एक series ले रहे हैं 8,000, 8,500, 9,000, 9,500, 10,000 and so on. तो जो फर्स्ट टर्म है वो है 8,000, जो डी है हमारे पास वो है 8,500 minus 8,000 यानी 500. तो ये सीक्वेंस देखो कैसे आती है, 8,000 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में हमने क्या किया है 8,000 plus 500, यानी कि हमने एक बार वन टाइम हमने 500 ऐड किया है इसमें, एक भी बार यानी कि जीरो टाइम हमने ऐड किया था 500. अब इससे आगे थर्ड टर्म हमने निकालनी है, तो 8,000 में हम 500 को दो बार प्लस कर रहे हैं, फिर ऐसे ही 8,000 में हम 500 को तीन बार प्लस कर रहे हैं. तो इसी तरीके से सीक्वेंस हमारी ये चलती चली जाती है. यहां पर हमने इसमें दो बार ऐड किया, यहां पर हमने इसमें तीन बार ऐड किया. अब देखो ये हमारी फर्स्ट टर्म थी, ये हमारी सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी और ये फोर्थ टर्म है. तो फोर्थ टर्म है तो तीन बार हमने इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया, थर्ड टर्म है तो दो बार किया, सेकंड टर्म है तो एक बार किया, एक टर्म है तो एक भी बार नहीं किया. यानी हमारे पास में एक बात क्लियर है यहां पर कि हमें ये जो n है नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हमें यहां पर 50th टर्म निकालनी है तो 50th टर्म के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होगा a प्लस 50 minus 1 d, यानी a प्लस 49 d. मतलब जो टर्म निकालनी है उससे एक कम 49, अगर 50th टर्म निकालनी है तो 49 d. अगर हमें यहां पर 78th टर्म निकालनी है तो हम डायरेक्टली a प्लस 77 d लिख सकते हैं अपने फॉर्मूले में, कि हमें जो टर्म निकालनी है यहां पर उससे एक वैल्यू कम चाहिए होगी. अब एक्सरसाइज 5.2 देख लेते हैं. 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें कि a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है और a n दे रखा है. अब यहां पर हमारे पास में कुछ टर्म्स दी गई हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया 7 और d की वैल्यू हमें दी गई है 3, n 8 दिया गया है, तो ये हमसे पूछा गया है. तो हम डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कि a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. हमारे पास में a n 1, a 2, n 3, d 4, चार वेरिएबल है टोटल. इसमें चार में से हम कोई भी जो है तीन वेरिएबल जो हमें यहां पे गिवन होंगे उनकी वैल्यू पुट करा लेंगे और फोर्थ जो अननोन वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी. जैसे a n की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू दे रखी है 7, n की वैल्यू दे रखी है 8 और d की वैल्यू दे रखी है 3. तो 7 plus 7 into 3, तो 7 plus 21 यानी कि 28. इसी तरीके से इसका जो सेकेंड पार्ट है उस सेकेंड पार्ट में a की वैल्यू दे रखी है, हमें पूछ रखा है d की वैल्यू, और n 10 दे रखा है और a n वैल्यू 0 दे रखी है. तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला a n यानी 0, a की वैल्यू यानी -18 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 d. आप ट्रांसपोज कर लेंगे, माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा और 10 माइनस 1 वहां पर 9
डी नाइन और डी मल्टीप्लाई के केस में है, तो ये इधर आकर के ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड के केस में, तो डी की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी यहां पर 2। थर्ड पार्ट में हमारे पास ए नहीं है, डी एन और ए एन की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला सेम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहां पर हमारे पास में ए एन की जगह हम माइनस 5 रख देंगे, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू 18 दे रखी है और डी की वैल्यू यहां पर माइनस 3 दे रखी है। इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में इजी रहे, ए प्लस 17 ब्रैकेट में माइनस 3, तो हमें ये मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस माइनस माइनस 17 थ्री जा 51, ये इस तरफ आएगा ट्रांसपोज होके प्लस, तो ए की वैल्यू हमारे पास में यहां पर 46 आ जाएगी। इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, हमें ए एन की वैल्यू दी गई है 3.6, ए की वैल्यू दी गई है माइनस 18.9 और n माइनस 1, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू दी गई है 2.5। तो इसमें हम सबसे पहले a की वैल्यू को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो ये 3.6 माइनस है तो प्लस हो जाएगी, 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इस ब्रैकेट में 2.5 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 6 15, 1 कैरी, 8 और 3 11 और 1 12, 1 कैरी, 1 और 1 2, तो ये n माइनस 1 इंटू 2.5। अब ये 2.5 और ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई है, तो 2.5 को इस तरफ ले आएंगे हम ट्रांसपोज करके, ये डिवाइड में आएगा 2.5 n माइनस 1। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, 10 से 10 कैंसिल, इसको आपस में कैंसिल कर सकते हो, 5 5 25, 5 4 20, 5 5 25, फिर 5 से होगा 5 1 5, 5 9 45। तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, यानी n की वैल्यू यहां पर 10 हो जाएगी हमारे पास। फिफ्थ पार्ट में हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूले में सेम ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन हमें फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू 3.5 दे रखी है, एन की वैल्यू 105 माइनस 1 और डी की वैल्यू 0, तो हमारे पास 3.5 प्लस ये हमारे पास में 104 इंटू 0, तो 0 रहेगा, तो 3.5 हमारे पास में टर्म आ जाएगी ए एन। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, हमें सीरीज दे रखी है 10 7 4, हमें 30th टर्म निकालनी है, 30th का मतलब n की वैल्यू, n की वैल्यू 30, a की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है हमारी 10, d की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे 7 में से 10 लेस कर देंगे तो रिजल्ट माइनस 3। तो अब हम इसमें फॉर्मूला सेम, a n यानी कि a 30 इज इक्वल टू ए प्लस 30 माइनस 1 डी, यानी हम इसको सीधा ए प्लस 29 डी भी लिख सकते हैं, ए की वैल्यू 10, 29 और डी की वैल्यू माइनस 3, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो प्लस माइनस माइनस और 29 3 जा 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 और 2 8, सॉल्व करेंगे माइनस 77। सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें 11 टर्म फाइंड आउट करनी है, हमें सीरीज दे रखी है माइनस 3 माइनस 1 बाय 2 और 2, हम देखेंगे कि ये हमारे पास में a की वैल्यू है और ये हमारे पास में n की वैल्यू है। अब इसमें हम पहले d निकालेंगे, तो d निकालेंगे माइनस 1 बाय 2 माइनस माइनस 3, हम एलसीएम लेंगे इसका, तो इसका एलसीएम आएगा 2, तो ये माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस, 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 5 बाई 2 डी की वैल्यू भी आ गई है। तो ए 11th टर्म हम निकालेंगे तो ए प्लस 10 डी सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू होती है यहां पर उससे हमेशा एक कम वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो ए की वैल्यू यहां पर माइनस 3 प्लस डी की वैल्यू यहां पर 5 बाई 2, हम देखेंगे कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो माइनस 3 प्लस 5 5 जा 25, आंसर 22। हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर बी है।
थर्ड में भी हमें इसी तरीके से सीरीज दी गई है और जो मिसिंग टर्म है उन्हें हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास में वैल्यू ऑफ ए है और ये हमारे पास में थर्ड टर्म की वैल्यू है, तो इसे हम लिखेंगे ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस टू डी। ए थ्री की वैल्यू 26, ए की वैल्यू हमारे पास में है 2 2d, सॉल्व करेंगे तो 26 माइनस 2 ये 2d रहेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 24 और 2 को इस तरफ लेके आओ तो ये d की वैल्यू रहेगी 12। तो d की वैल्यू 12 आने के बाद में हम इसकी जो सेकंड टर्म है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं ad। सेकेंड टर्म जो हमारे पास में होगी वो a प्लस डी होगी, तो a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू हमने निकाल ली तो रिजल्ट आएगा 14। सेकेंड पार्ट में हमें सीरीज की फर्स्ट वैल्यू ब्लैंक है, सेकेंड वैल्यू यानी कि a2 जो कि a प्लस डी होती है वो दी गई है 13 और फोर्थ वैल्यू दी गई है, थर्ड फिर से ब्लैंक है तो a4 यानी a प्लस 3d ये हमें दी गई है 3। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट कर लेंगे, हम करेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस 3d माइनस a प्लस डी और उस तरफ 3 माइनस 13, तो ये है a प्लस 3d माइनस a माइनस डी और ये रिजल्ट माइनस 10। a से a कैंसिल आउट, 3d माइनस d 2d तो माइनस 10 और डी की वैल्यू हमारे पास में 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 5 आ जाएगी। अब डी की वैल्यू हमारे पास माइनस 5 आ गई है तो हम यहां पे रख के इस इक्वेशन में रख के ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 है और डी की वैल्यू हमारे पास में माइनस 5 है, तो माइनस 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 18। अब इसी तरीके से ये हमारे पास में फर्स्ट वैल्यू 18 आ गई है, हम थर्ड वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्योंकि a3 इज इक्वल टू होता है a प्लस 2d, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 18 2 और d की वैल्यू माइनस 5 तो 18 माइनस 10 यानी 8 हमारे पास आ जाएगा। थर्ड पार्ट में फिर से हमें ए की वैल्यू दी गई है, सेकंड और थर्ड टर्म मिस्ड है और फोर्थ टर्म दी गई है, हम फोर्थ टर्म को कन्वर्ट करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 9 2 18 प्लस 1 19 डिवाइडेड बाय 2, तो ए की वैल्यू हमारे पास में 5 और फोर्थ टर्म यानी कि a4 का मतलब a प्लस 3d ये हमारे पास में 19 बाय 2, इसमें a की वैल्यू रिप्लेस कर दो, 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19 बाई 2, 5 ट्रांसपोज हो जाएगा उस तरफ तो 3d इज इक्वल टू 19 बाई 2 माइनस 5। हम यहां पर एलसीएम लेंगे 2 का और 1 का एलसीएम, यहां पर 19 माइनस 5 2 जा 10, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 3d इज इक्वल टू 9 अपॉन 2, 3 नीचे चला जाएगा तो d की वैल्यू 9 अपॉन 2 इंटू 3, कैंसिल आउट होकर के डी की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 3 बाई 2। अब हम इसकी जो बाकी की दो टर्म्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेंगे, बाकी की दो टर्म्स में जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म ए प्लस डी, ए प्लस डी यानी कि ए हमारे पास में 5 है और डी हमारे पास में 3 बाई 2 है, हम एलसीएम लेंगे 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 13 बाई 2। अब इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड टर्म, a प्लस 2d, a की वैल्यू हमारे पास 5, 2 d की वैल्यू 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 प्लस 3 यानी 8, थर्ड टर्म हमारे पास में इसमें 8 आ जाएगी। क्वेश्चन थर्ड के पार्ट 4 में भी हमें a की वैल्यू दी गई है -4 और 1 2 3 4 5, a फिफ्थ दिया गया है 6।
तो इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 5 है तो 4d, यानी कि ये 6 की वैल्यू है। अब a की वैल्यू तो हमें माइनस 4 दी गई है, वो हम यहां पर पुट करा लेंगे 4d 6। 4 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू 4d। तो 4 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास में 2 जा 4 2 5 जा 10, तो d हमारे पास में आ जाएगा 5/2। तो अब हमें यहां पर सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, थर्ड और फोर्थ। जब हमें सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है तो a प्लस डी, ए प्लस डी, ए की जगह माइनस 4 और d की जगह 5/2। हम एलसीएम लेंगे, 1 का और 2 का एलसीएम 2, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, तो रिजल्ट आएगा माइनस 3/2, यानी कि ये हमारे पास में सेकंड टर्म है। इसी तरीके से हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे तो a प्लस 2d, तो a की वैल्यू माइनस 4, 2, d की वैल्यू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस 4 प्लस 5, इसकी वैल्यू प्लस 1, a 3 की वैल्यू आ जाएगी यहां पर प्लस 1। इसी तरीके से हम a 4 की भी वैल्यू निकाल लेंगे, a 4 यानी कि a प्लस 3d, a की वैल्यू माइनस 4, d की वैल्यू हमारे पास में फिर से 5/2, तो ये आ गया माइनस 4 प्लस 5 3 जा 15/2। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 का और 1 का एलसीएम 2, 1 2 जा 2 2 4 जा 8 और 15 1 जा 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में 7/2 आ जाएगा। ये हमारी फोर्थ टर्म है। फिफ्थ पार्ट में हमें सेकंड टर्म दी गई है और फिफ्थ टर्म दी गई है, तो हम लिख लेते हैं यहां पर कि सेकंड टर्म यानी कि a प्लस डी 38, और फिफ्थ टर्म यानी कि माइनस 22 इज इक्वल टू a प्लस 4d। ये सेकंड टर्म है हमारे पास में। हम यहां पर सेकंड माइनस 1 कर देते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि माइनस 22 और माइनस 38, और इस तरफ से a प्लस 4d माइनस a प्लस d। अब यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, 0 6, और ये हमारे पास में a प्लस 4d माइनस a माइनस d, a से a कैंसल आउट हो जाएगा। 4d में से 1d हम सेपरेट करेंगे तो 3d, 3 इस तरफ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और d की वैल्यू हमारे पास में कैंसिल करके माइनस 20 आ जाएगी। अब d की वैल्यू आने के बाद में हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर पुट इन फर्स्ट, हम इस डी की वैल्यू को ए की वैल्यू में पुट, फर्स्ट वैल्यू में पुट कराएंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कराएंगे तो 38 इज इक्वल टू ए प्लस डी। अब प्लस माइनस यहां पर माइनस होगा तो ए माइनस 20, 20 यहां पर आ जाएगा, तो ये ट्रांसपोज होकर के हमारे पास में 38 प्लस में 20 दैट इज इक्वल टू ए, यानी कि ए की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी यहां पर 58। a की वैल्यू 58 आने के बाद में जब मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो यानी कि a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 58 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास में है माइनस 20। हम पुट करा देंगे और फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 इंटू 20 यानी कि हमारे पास में आ जाएगा ये माइनस का 40, 58 प्लस माइनस माइनस, तो वैल्यू आ जाएगी 18। इसी तरीके से जब हम इसमें फोर्थ टर्म निकाल लेंगे तो जो फोर्थ टर्म होगी हमारे पास में वो a प्लस 3d, a की वैल्यू 58 और d की वैल्यू हमारे पास में यहां पर कितनी है माइनस 20, तो हम सॉल्व करेंगे 58 23 जा 60, तो 58 प्लस माइनस माइनस 60, तो ये माइनस 2 आ जाएगा। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.